सिवनी मालवा नगर में उत्कृष्ट विद्यालय की जगह अब सीएम राइस स्कूल के भवन का निर्माण किया जाना है, जिसको लेकर विगत दिवस विभाग के लोगों द्वारा लाइनिंग का कार्य किया गया, जो कि स्कूल के खेल मैदान में आ रहा है, जिससे कि नगर का एकमात्र सबसे बड़ा खेल मैदान खत्म हो जाएगा, जिसको लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम एक ज्ञापन नायब तहसीलदार ललित सोनी को सौंपा। ज्ञापन में बताया कि शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय सिवनी मालवा के सीएम राइस स्कूल के भवन निर्माण हेतु खेल मैदान का भवन निर्माण हेतु उपयोग किया जा रहा है, जहां एक और विद्यार्थियों के चहुमुखी विकास हेतु सीएम राइस स्कूल बनाए जा रहे हैं, वही विद्यार्थियों के खेल मैदान पर भवन निर्माण कहां तक उचित है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मांग करता है कि शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय सिवनी मालवा के सीएम राइस स्कूल के भवन निर्माण हेतु खेल मैदान पर भवन निर्माण न किया जावे। विद्यार्थी परिषद के सत्यम तिवारी ने बताया कि उत्कृष्ट विद्यालय का मैदान नगर का सबसे बड़ा खेल मैदान है, जहां प्रतिदिन नगर के सैकड़ों लोग खेल खेलने सहित अन्य गतिविधियां संचालित की जाती है। यदि मैदान पर भवन निर्माण कर दिया गया तो नगर के खिलाड़ियों के लिए कोई मैदान नहीं बचेगा। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने चेतावनी भी दी कि यदि खेल मैदान पर भवन निर्माण पर रोक न लगाई गई तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करने को बाध्य रहेगा। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस मांग को लेकर आया है, क्योंकि सिवनी मालवा में एक हाई स्कूल ही एकमात्र ऐसा ग्राउंड था जहां सभी शहरवासी शहर के बच्चे वहां खेलने जाते थे, क्रिकेट खेलते थे एवं सुबह सभी परिजन मॉर्निंग वॉक पे जाते थे। लेकिन शासन के हिसाब से वहां एक स्कूल का निर्माण किया जा रहा है, जो कि उचित नहीं है, क्योंकि एक तरफ मध्य प्रदेश एवं भारत सरकार कहती है कि खेल को भी विषय बनाया जाए, लेकिन दूसरी ओर बच्चों के खेल के मैदान को ही हड़पा जा रहा है। तो विद्यार्थी परिषद मांग करती है कि इस पे तुरंत कोई एक्शन लिया जाए और वो बिल्डिंग वहां बनाई जाए जहां पुराना स्कूल है, उसे तोड़कर नई बिल्डिंग वहां पर निर्माण की जाए।